क्या मिया, जहांपनाह की आंखों में आंसू? आप रो रहे हैं? दिमाग खराब हो गया आपका? मैं क्यों रोऊंगा, मेरी आंख में थोड़ा सोप चला गया। अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे। ये सब क्या है? डार्क चॉकलेट एंड ग्रीन टी। ऐसे बुरे वक्त में इंसान की बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। तो अपना बुरा वक्त कहीं और जाके ठीक कीजिए, मुझे बहुत काम है। बेचारे जहां बना अपना दर्द किसी पे जाहिर भी नहीं करना चाहते। कुछ कहा आपने? जी, मैं वो कह रही थी कि अपना दर्द जाहिर करने से कोई इंसान कमजोर थोड़े ना हो जाता है। आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। I have no idea what you're talking about. और मुझे बहुत काम है, और आप फिर से मेरे कमरे में आए। देखिए, इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए मिस्टर खान। अगर आपने किसी चीज की तरफ एक कदम बढ़ाया ना, तो उसे बीच में मत रोकिए। अगर आप जानते हैं कि आप ठीक हैं, तो फिर डरना क्यों? बीच में चाहे दूसरी नेशनैलिटी और टूरिस्ट वीजा और 12 घंटे लंबी फ्लाइट जैसी जितनी मर्जी दीवारें हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। इंसान को मोहब्बत के लिए लड़ना चाहिए मिस्टर खान, आगे अल्लाह की मर्जी। आप ठीक तो है ना? इंसान तो हमेशा ठीक ही होता है मिस्टर खान, बस वक्त ही खराब होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे जज्बात कोई नहीं समझ रहा। पर हम अकेले नहीं होते, कोई ना कोई होता है जो हमारी फीलिंग समझ सके। हमारे आसपास कभी ना कभी हर किसी को मदद की जरूरत होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हाँ, ये आपका फोन, इसको मैंने ठीक कर दिया है, कीप इट विद यू। हैव अ नाइस डे। बेचारी जिल्ले इलाही सदमे से कितने बौखला से गए। समथिंग इज रॉन्ग, इस लड़की का मेंटल बैलेंस कुछ ठीक नहीं लग रहा। राशिद मियां जी, इमरान मियां की गाड़ी का क्या हुआ? ऑर्डर दे दिया गया, आ जाएगी। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है? मुई गाड़ी ना हुई कयामत हो गई कि आएगी आएगी। सबको पता है मुई कब आएगी, कोई नहीं जानता भाभी। वो देखिए राशिद मियां, हम कुछ नहीं जानते। बस आज शाम 5 बजे से पहले गाड़ी दरवाजे के बाहर खड़ी देखनी चाहिए। हाँ, ये मुमकिन नहीं है भाभी। तो मुमकिन कीजिए, हसीना को वायदा किया है ना हमने कि गाड़ी देंगे, पर अभी तक गाड़ी दी नहीं गई। भाभी गाड़ी जल्दी आए इसलिए हम लोग ऑलरेडी 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे चुके हैं। अब अगर फौरन चाहिए तो 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इतनी जल्दबाजी किस लिए भाभी? जल्दबाजी इसलिए राशिद मियां कि अगर गाड़ी नहीं दी गई ना तो हसीना सगाई तोड़ देगी। क्या जी? अब जाइए और देखिए कि किसी भी कीमत पर वो गाड़ी आज शाम 5 बजे तक आ जानी चाहिए। इतनी छोटी सी बात पर सगाई तोड़ देंगे, कैसे लोग हैं ये?
देखिए अब हसीना तो ऐसी ही है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, बाकी आपकी मर्जी है कि आप अपनी बेटी का निकाह कराना चाहते हैं या खुद इस उम्र में इश्क लड़ाने में मसरूफ रहना चाहते हैं। अगर वो इस छोटी सी बात पे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं ना, तो बेहतर यही होगा भाभी कि ये रिश्ता टूट जाए। अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, सौदा नहीं। रिश्ता तोड़ देंगे। निखत का रिश्ता तो इसी घर में होकर रहेगा राशिद मियां, आप चाहो या ना चाहो, मैं यही चाहती हूं। इस रिश्ते की मेरे लिए बहुत अहमियत है, मैं किसी भी हाल में ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। कॉलेज के लिए लेट हो रहे, सॉरी। हमारी पर्सनल बात है, आपको क्यों बताएं? जिंगो ऑर्टिज के प्रेजिडेंट होने के नाते हमारा ये हक बनता है कि हमें मालूम हो कि हमारे मेमरन क्या बात कर रहे हैं। भाईजान, हम उमेरा की बात कर रहे हैं। वो कब से अंदर तैयार हो रही है, कितना वक्त लगा रही है ना। वक्त से अर्ज किया है कि रात आके है सारा गुलशन कि कब आएगी अब बहार, रात आके है सारा गुलशन कि कब आएगी अब बहार। आप चले, हम वही मिलेंगे, पहले होटल तैयार। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा आपने उमेरा बेगम। हम तो इस दुनिया के पहले शख्स होंगे जो बिजली को देख के ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मियां अगर ये गिरे तो हम पर ही गिरे। वैसे आप कहाँ जा रही हैं ऐसे खामखा तैयार होके, क्लास या कहीं कुछ खास? क्लास भी और कहीं खास भी। खैर आप जाइए अपनी बोरिंग क्लास, हम तो किसी खास जगह जा रहे हैं। ना 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 ना। अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। जोया के बारे में अब क्या कर दिया बेचारी ने? अम्मी वो बेचारी नहीं है, आप उससे बात करके देखिए, वो कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब? कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। आपको उसकी फैमिली और उसके बारे में सारी मालूमात है? हाँ, क्यों? अम्मी मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। आप तो जानती हैं न्यूयॉर्क में कैसा माहौल है, ऐसी जगह पर लोग अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से काफी गलत रास्ते यूज करते हैं। तुम क्या कह रहे हो असद, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मी मुझे लगता है सोया ड्रग्स यूज करती है। ड्रग्स? ये नहीं हो सकता। मियां बहुत मासूम है, मैंने जो उसके बिहेवियर में देखा वो शायद आप नहीं देख पाएंगे। उसे एक साइकाट्रिस्ट की जरूरत है, आप उसकी आपी से बात कीजिए, शायद वो हमें उसकी ड्रग हिस्ट्री के बारे में कुछ बता पाए।
मेरी बात पर गौर कीजिएगा और हो सके तो उससे एक बार बात कर लीजिएगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। गुप्पी, वो मुझे आपके बेटे असद के बारे में बात करनी थी। गुप्पी, आपको पता है उनके बारे में? आई मीन वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। क्यों? नहीं, मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि कल से उनका बिहेवियर कुछ अजीब सा है। आपको उनके बारे में सारी मालूमात है ना? हाँ। मुझे लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। आई मीन आप तो जानती हैं इंडिया में कैसा माहौल है। ऊपर से इस एज का अनमैरिड मेल हो जाता है अकेलापन, डिप्रेशन, और ऐसे में तो लोग फिर चीजें छुपाने लग जाते हैं। अकेलापन, डिप्रेशन? हाँ पुप्पी, अब आप देखिए ना उनकी शादी की उम्र हो गई है। आप उनकी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचती हैं? हाँ सोचा है, बहुत बार सोचा है, और बहुत सारे रिश्ते भी आए लेकिन वो हमेशा मना कर देते हैं। राइट राइट। कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या है? क्या वजह है वो मैं पता लगाऊंगी। पुप्पी आप चिंता मत कीजिए, आप बस इतना कीजिए कि उनके साथ प्यार से बात कीजिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है, कहीं वो आपसे कुछ बात छुपा तो नहीं रहे हैं, यू नो ऐसा कुछ। और पुप्पी हो सके तो उन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर या किसी साइकेट्रिस्ट को भी दिखा दीजिए, उन्हें इनकी सख्त जरूरत है। जोया ठीक नहीं है, मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। पुप्पी मुझे लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। उसे एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसी साइकेट्रिस्ट को भी दिखा दीजिए। राशिद, क्या हुआ है? कुछ अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हसीना भी इस वक्त यहां क्यों आ रही है? कुछ बात तो जरूर है। मुझे नहीं पता क्यों आ रही है वो। मुझे तो लगता है कि हसीना यहां रिश्ता तोड़ने आ रही है। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, हमारी निखत का क्या होगा? पहले भी दो लड़के वालों ने मना किया, अब ये रिश्ता टूटा तो। रजिया, आखिर मसला क्या है? हसीना भी ऐसा क्यों करेंगी? जी वो अम्मी, वो अक्रम आया।
ऑफिस से कुछ कागजात साइन कराने। अकरम कौन है? मैंने आपसे कहा था ना, वो उसके निकाह के दिन वो लड़की भाग गई थी। बहुत ही अनकल्चर्ड किस्म की लड़की होगी जिसने इस तरह की हरकत की। नजमा, कॉफी। असद, अब उस बेचारे की क्या मजबूरी रही होगी ये तो तुम्हें नहीं पता ना। अम्मी, आपके पास ऑलरेडी एक बेचारी है, अब वो दूसरी लड़की को बेचारी मत बनाइए। और नजमा, अक्रम के लिए कुछ चाय या कॉफी प्लीज। थैंक यू। सुनो नजमा, ये तो वही लड़का है जिसके साथ जोया का निकाह होने वाला था। अगर असद को ये बात पता चल गई तो, अगर सोया कमरे के बाहर आ गई तो, अब कुछ दिनों से ना निकित और इमरान के निकाह को लेकर हमें एक बात चुभ रही थी। हमने सोचा आप लोगों से खुलकर बात कर ले। अरे सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, हमको भी बहुत खुशी है निखत और इमरान के रिश्ते को लेकर। और इतना ही नहीं, एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। ये देखो, इमरान मियां की नई गाड़ी की चाबी। अरे गाड़ी नहीं देखोगी क्या? लो, अब अपनी ही गाड़ी को अपनी नजर लगाएंगे। मुई कहाँ भागती जा रही है, घर आएगी तो आराम से देख लेंगे। हमने कहा था ना तुमको, जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं। तो गाड़ी वाले कह रहे थे कि अगर तुरंत गाड़ी चाहिए तो 15 लाख और। हमने कहा हमें तो तुरंत ही चाहिए, भिजवा दिया 15 लाख का चेक। अरे हाँ याद आया, तुम कह रही थी कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है। वो हम तो निकाह की तैयारियों को लेकर बात करने आए थे, कोई दावत को लेकर कोई डिस्कस करने आए थे तुमसे। अकरम, तुमने एक ही कंपनी के नाम पे 2 चेक्स बनाए। I'm really sorry sir, वो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। क्या बात है अकरम, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ तुम्हारा काम पर ध्यान नहीं, बहुत सी गलतियां कर रहे हो, अपने निकाह वाले हादसे को भूले नहीं अभी तक। अकरम, हमारी जिंदगी में बहुत सारे अनचाहे हादसे होते हैं, अगर हम उन्हें भुला दें तो ही हमारे लिए बेहतर होगा। मैं तो कहती हूँ उस लड़की का नाम, उसका चेहरा सब भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। वो मैम, मैं कैसे भूल जाऊं? मेरे घर वालों की इतनी बेइज्जती करी है उस लड़की ने, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी बेल्ट? बेल्ट? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, चेंज करके आओ ना। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, जाओ जाओ। एक्चुअली गलती मेरी ही थी कि मैंने उस फॉरेन से आई हुई लड़की को शादी के लिए हाँ कर दी। ये सारी फॉरेन की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इन्हें हमारी तहजीब और तौर तरीकों की कोई परवाह नहीं। कहाँ की थी ये लड़की? अरे कहीं की भी हो लड़की, अब जानने से क्या फायदा। मैं तो कहती हूँ इसे तो घाव हरे करने वाली बात है ना। तुम उसका नाम भी अपनी जुबान में मत लाना, उसको भूल जाओ, उसके चेहरे को भूल जाओ। मैं ले चलती हूँ।